कौन सा माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए। आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो बाय बाय A1 माइक्रोफोन खरीदने के लिए, और आप यही माइक्रोफोन खरीदने के लिए आप राजी है, चीपेस्ट लेवल माइक्रोफोन खरीदने के लिए, ये आपके अफोर्ड में आता है। लेकिन आपको चाहिए अच्छे वॉइस क्वालिटी, तो आपको कौन सी माइक खरीदना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया बाई M1 माइक्रोफोन के ज़रिए आप आवाज़ सुन रहे हैं। मेरे कलर में जो लगे हुए है ये है बोया बाई M1 माइक्रोफोन, और इसके थ्रू वॉइस रिकॉर्डिंग के जा रहा है और यही वॉइस आप सुन रहे हैं। अभी मैं फ़ोन के अंदर जो इनबिल्ट माइक है वही माइक से ही रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये मोबाइल के इनबिल्ट माइक के जरिए रिकॉर्डिंग किए गए वॉइस सुन रहे हैं। दोस्तों आप देखिए ये जो चिपेस्ट लेपल माइक्रोफोन है इसे इनपुट करता हूँ और देखता हूँ इसका वॉइस क्वालिटी कैसे आता है। दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये 100 से 150 रुपये के बीच में जो चीपेस्ट लेपल माइक्रोफोन आते हैं उसी के जरिए रिकॉर्डिंग किए गए वॉइस आप सुन पा रहे हैं। यही माइक्रोफोन का वायर लेंथ 1.5 मीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, आपको फर्क समझ में आ गया, बोया बाई M1 माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्डिंग किए गए आवाज़, मोबाइल फोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्डिंग किए गए आवाज़, और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये चीपेस्ट लेपल माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्डिंग किए गए आवाज़। तो उसमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों ये है बोया बाई M1 माइक्रोफोन, और यही माइक्रोफोन के वायर में आप देख नहीं पा रहे हैं कंट्रोल पैनल को। ऐसा इसलिए कि कंट्रोल पैनल मैं वायर से अलग कर दिया, क्योंकि स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग करने के लिए कंट्रोल पैनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल पैनल DSLR कैमरा के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि DSLR कैमरा में अगर आप यही माइक्रोफोन लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वॉइस क्वालिटी बहुत डाउन रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर कंट्रोल पैनल इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल पैनल में एक बैटरी है, वही बैटरी पावर देते हैं, और कंट्रोल पैनल क्या करता है पावर को लेकर जो वॉइस है वॉइस को एम्पलीफाई कर लेता है। ठीक है, और आउटपुट दे देता है, जिससे बढ़िया क्वालिटी का वॉइस क्वालिटी देखने को मिलता है। लेकिन स्मार्टफोन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल पैनल का जो स्विच है इस स्मार्टफोन ऑप्शन में रहता है, मतलब ऑफ पोजीशन में रहता है, बैटरी का पावर यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसे निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, इस हाथ में है लेपेल माइक्रोफोन और इस हाथ में है बोया बाई M1 माइक्रोफोन। यही दो माइक्रोफोन में से आपको बोया बाई M1 माइक्रोफोन का वॉइस क्वालिटी अच्छा लगा है। तो किस लिए अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता है बोया बाई M1 माइक्रोफोन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसा प्रूफ होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रो दे देना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर एक कंडेंसर माइक होता है, यही कंडेंसर माइक को एक सर्टेन अमाउंट का रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे रेजिस्टेंस आप ज़्यादा कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, वॉइस लो हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे आप घटा दोगे, जो रेजिस्टेंस चाहिए कंडेंसर माइक को उससे आप घटा दोगे, तो क्या होगा, बैकग्राउंड नॉइस आ जाएगा। मोबाइल चार्ज में लगाकर अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो माइक्रोफोन से या मोबाइल फोन के अंदर जो इनबिल्ट माइक है उससे, तो आपको एक कर आवाज सुनने को मिलेगा, एक नॉइस सुनने को मिलेगा। ठीक वैसा ही साउंड आपको रेजिस्टेंस घटा देने में भी सुनने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये माइक्रोफोन और ये माइक्रोफोन दोनों माइक्रोफोन में जो कंडेंसर माइक यूज़ किए गए हैं सेम ही है। मैं ऑनलाइन से 3 माइक्रोफोन मंगाया था, 2 माइक्रोफोन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, देखिए ये है बोया बाई M1 माइक्रोफोन का कंडेंसर माइक, और ये है लेपेल माइक्रोफोन का कंडेंसर माइक। दोनों माइक्रोफोन का कंडेंसर माइक आप देख लीजिए सेम है। दोस्तों सबसे पहले क्या करूँगा, यही दो माइक्रोफोन का रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा,
माइक्रोफोन से ही पावर इनपुट करूंगा और ग्राउंड से ही पावर आउटपुट ले लूंगा। तो यही माइक्रोफोन का वायर एंड माइक्रोफोन जो कंडेंसर माइक है इसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर दो वायर है, दोनों वायर का रेजिस्टेंस प्लस कंडेंसर माइक का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 20K में सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आप देख लीजिए 1.13 दिखा रहा है, मतलब 1130 ओम दिखा रहा है। ठीक है, ये बॉया बाई M1 माइक्रोफोन का रेजिस्टेंस निकल के आया है। ठीक है, आप मैं चिपेस्ट लेपल माइक्रोफोन का रेजिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1.35। ठीक है, मतलब 1350 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब इस माइक्रोफोन में रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है बॉया बाई M1 माइक्रोफोन के कंपैरिजन में। दोस्तों इसका वायर लेंथ 1.5 मीटर है और बॉया बाई M1 माइक्रोफोन का वायर लेंथ 6 मीटर है, फिर भी रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। माइक्रोफोन सेमी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये माइक्रोफोन है। ठीक है, और जो वायर देख रहे हैं ये वायर काफ़ी थिन है, जो वायर आपको ईयरफोन में देखने को मिलता है सेम वायर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और जितना पतला वायर होगा, जितना थिन वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जितना थिक होगा उतना ही रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब मैं बॉया बाई M1 माइक्रोफोन का वायर दिखाता चाहता हूँ। ये माइक्रोफोन में जो वायर इस्तेमाल किए गए हैं ये थिक वायर है। ठीक है, और इसका गेज काफ़ी थिक है। ठीक है, और ये वायर मोबाइल चार्जर के अंदर जो वायर देखने को मिलता है सेम वायर ही है। तो मैं आपको बताया कि जितना थिक वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस घट जाएगा, जितना थिन वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बॉया बाई M1 माइक्रोफोन का वायर लेंथ 6 मीटर है, फिर भी रेजिस्टेंस कम आ रहा है, इसलिए क्योंकि वायर थिक है और वायर थिक होने से रेजिस्टेंस घट जाता है। और इसका लेंथ 1.5 मीटर है लेकिन वायर बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो यही एक कारण है वॉइस क्वालिटी को डाउन कर देने का।